सरप्राइज हो गई है क्योंकि मेरी तरह मुंह बना रहा है तो। हे गिदड़, तू भक्कियां क्यों देता है? गिदड़ शायरी से पता चल गया मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। देख ये जो ये है इसका नाम है लेडी एम। हाय मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, सॉरी। हेलो गाइस, आज हम कहां जा रहे हैं? चिड़ियाघर। यस गाइस, आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। आज होने वाली बहुत मस्ती, फन, एंटरटेनमेंट है ना। तो यहां ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे कहां? चिड़ियाघर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम चिड़ियाघर और यहां पे बहुत रश होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही टिकट वगैरह बुक कर लें अपनी, हमने भी पहले ही कर ली थी तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है ना। तो ये फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे लोग देखिए। तो घूमते हैं अभी आगे। गाइस बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, उन्हें एक्चुअली पता नहीं होगा कि टिकट ऑनलाइन वगैरह बुक हो रही है, तो जो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं उनके लिए बेटर है। सबसे पहला जानवर हमें ये ब्लैक कलर का डग दिखा है यहाँ पे, बड़ा प्यारा है। और ये यहाँ के रहने के लिए शायद कुछ हट वगैरह बना रखी है। लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते, उनके लिए यहाँ पे ट्रैवलर भी है। भैया कितने में बुक होती है? 70 रुपये सवारी। 70 रुपये सवारी है भाई। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं ट्रैवलर का। और ये फेयर चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फेयर है। दो कदम चले नहीं है, सबको प्यास लगने शुरू हो गई। देखिए अभी जस्ट एंट्री की है, यहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि 1500-1500 के दो स्लॉट्स यहाँ पर हैं, सुबह 8 से 12 और 1 से 5। तो आप देख सकते हैं पूरा खाली है, हम ही यहाँ पे घूम रहे हैं बस। देखिए और यहाँ पे बिना मास्क के भी घूम सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं नहीं ज़्यादा। तो गाइस हमारे ब्लॉग में आप ये पहला नया चेहरा देखिए, मेरे मौसा जी हैं। तो आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आज हमने पहले फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ये बहुत पहले आए थे घूमने, तो कह रहे हैं मुझे फिर घूमना, तो हमने कहा चलो। आज 25 साल पुरानी यादें आ गई है। 25 साल पुरानी यादें, 25 साल बाद आए घूमने। ऐसा कहा जाता है कि फ्लेमिंगो जो काफ़ी मतलब लंबा ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कई मतलब देशों से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं मौसम में। आपको मतलब जू आने का बहुत शौक था, बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी तक आपने क्या क्या देखा? खुश होके बोलो। मैंने देखा फ्लेमिंगो, बतख, ब्लैक। अभी आगे और देखना है ना? हाँ। चलो फिर आपको मजा जैसी क्या हुआ? मैंने देखा शेर नहीं है, शेर बंदर है। ये है शेर पूंछ बंदर, इनकी जो पूंछ होती है शेर की तरह होती है, तो इसीलिए इन्हें शेर पूंछ बंदर कहा जाता है। और इसका फ्रंट भी ऐसी टाइप का लग रहा है, देखो थोड़ा है ना। और ये बंदर देखो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे ना इनके लिए झूले भी लगवा रखे हैं, देखो सुविधा। यहाँ पे है ये हिरन है यहाँ पे। हाँ देखिए गाइस हिरन है यहाँ पे। बहुत धूप है यार, आज गर्मी बहुत लग रही है, तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं। अभी थक के जब उब जाएंगे तो फिर निकलेंगे दोबारा। सांभर है यहाँ पे गाइस, सांभर। यहाँ पे प्यारे प्यारे हिरन देखो अपना खाना खा रहे हैं बेचारे, निकले कुछ घास रखे हुए। कृष्ण मृग ब्लैक बक, इससे कुछ याद आएगा इस आपको। रात में तो थोड़ी भूख लगी है, तो इसे थोड़ा सेरेलैक्स वगैरह खिला देते हैं, तो उसे खिलाते हैं, फिर खिलाने के बाद आगे और निकलते हैं। आंखें खराब हो रही है ना? कहाँ हो? वो रे हाँ हो रहा ना, वो देखो करवा देखो। अच्छा और गाइस ये है देखिए चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी नहीं है, चालाक लोमड़ी एक पीछे बैठी है, एक ये है। पर है गीदड़। हे गीदड़ तू भक्कियां क्यों देता है? गीदड़ भक्कियां नहीं चाहिए हमें, ठीक है, समझ जा तू। बंदा यहाँ पे घूमने नहीं आया था, छोले भटूरे खाने। छोले भटूरे खाने की जगह जाना चाहिए था, घुमाने नहीं लाना चाहिए था। है भाई कि नहीं? छोले भटूरे खाने चिड़िया घर घूमना है। कुछ नहीं है गाइस, ऐसी बोल रही है। नहीं सकल ने राव जा को उठा लिया क्योंकि सब थक चुके हैं, तो मेरी बारी उठाने की, मैंने उठाया है। चलिए चलिए हमारी जनता पार्टी जा रही है।
ये देखिए सबके चेहरे उतर गए हैं धूप में चल चल के एक कट्टे के। तो हिमानी कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। आज हिमानी इतना चल गई तो ये कुछ दिनों बाद दिखना ही बंद हो जाएगी हिमानी, ये इतनी पतली है और इतना चलेगी तो क्या होगा। अमित तुम्हें कैसा लग रहा है? अमित स्पीचलेस हो गए इस जगह को देख के। सुमित आपको ये बच्चा घुमाता हुआ कैसा लग रहा है? ये मौसा जी सुमित का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पूछते हुए लग रहे हैं। वो एक दूसरे को नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं वाला क्या नाम है। जो ये है इसका नाम है लेडी एम, हाँ मुझे पढ़ना नहीं आ रहा सॉरी। तो देखिए लेडीज क्या करती हैं, ये देखिए आराम फरमा रही है यहाँ पे, इसका पति गया है बाहर काम करने, रही आराम फरमा रही है। क्या आराम फरमा रहा भाई साहब, उल्टा हो गया आराम से लेटा हुआ। नाम इसका है मिलिट्री मकाओ, पर ये मिलिट्री लोगों की तरह है नहीं, ये रिटायर्ड है बेचारा। तो हमारे पीछे ये पूरा बर्ड सेक्शन है जो अभी हमने आपको दिखाया, पूरे के पूरे यहाँ बर्ड ही बर्ड हैं। उल्लू, उल्लू उल्लू में आता है। फ्रेंड्स ये हिप्पोपोटामस, और इसका जो पसीने का कलर होता है वो रेड कलर का होता है, तो इन्हें जो पसीना आता है वो लाल कलर का होता है। ये है इंडियन हॉर्नबिल, और इसके जो सर पे ये हॉर्न टाइप का होता है, शायद इसीलिए इसे हॉर्नबिल कहते हैं। जो उड़ता है उनका पंजीरा में रहे, छाता लाना चाहिए था ना हमें। यार गर्मी बहुत हो रही है। अरे हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए यार। आप आ रहे हैं तो छाता जरूर लाए क्योंकि बहुत गर्मी है, स्पेशली बच्चों के लिए। और ये है द लायन, जंगल का राजा। ओ भाई कैसे देख रहे हैं, शायद इसे पता चल गया मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने परमिशन भी नहीं लिया इसके। और यहाँ पे ये पानी वगैरह है ये, ताकि कोई जंप ना करे, शायद एक दो केस प्रीवियसली हुए थे कोई जंप करके लोग नीचे चले गए थे यहाँ पे। गाइस कुछ साल पहले मतलब मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि कोई बंदा यहाँ से जंप करके नीचे चला गया था और बाघ ने उसे मार के खा लिया था। तो अब इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर गार्ड्स वगैरह बिठा रखे हैं ताकि कोई नीचे ना जा पाए, सिक्योरिटी अच्छी कर दी है। तो गन्नी आपने लायन देखा था, आपको कैसा लगा लायन देख के? इसको भूख लगी, इसको कोई मतलब नहीं है, लाइन देखा कुछ देखा तो भूख लगी तो छोले भटूरे खाने, इसका मेन जो मुद्दा होता है वो छोले भटूरे खाना ही होता है, इसे दुनिया से कोई लेना देना। तो फ्रेंड्स मौसम ने 75% जो जू है कवर कर लिया है, 25% और बचा है, अब पता नहीं कौन कौन से जानवर बचे हैं। अभी यहाँ पे हाथी है, बाघ है, हाथी भी है यहाँ पे, वहाँ पे लिखा है ना बोर्ड में। ओके तो कुछ एनिमल बचे हैं वो देख के फिर निकलते हैं। और ये है गजराज। तो गाइस यहाँ पे हाथियों का एक पेड़ है, और ये मशरूम टाइप का जो दिख रहा है आपको, इसके नीचे शेडो के कारण खड़े हो रखे ताकि इन्हें छाया लगे। ये दोनों पिछले 10 मिनट से एक ही काम किए जा रहे हैं, इन्होंने कुछ ही पत्ते ले रखे हैं हाथ में देखिए, और ये इन्हीं को अपने पे मारे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे एक एलिगेटर पानी के अंदर घुसा हुआ देखिए। यहाँ पे कैंटीन भी है, अगर किसी को खाना वाना है प्यास लग रही है तो यहाँ पे प्रॉपर कैंटीन है, यहाँ पे जाके खा सकते हैं। वही तो इतना आराम से हो रखा हो, 15 मिनट लेट हो गया, नहीं तो बड़ा मजा आता देखने में, पानी प्यार दिखा। ये वाइट टाइगर के केव, लेकिन यहाँ पे भी दिख नहीं रहा। और यहाँ पे देखिए रस्सी का पूरा इंतजाम है, अगर कोई बाई चांस गिर जाता है या फिर कूद जाता है यहाँ पे तो उसे इजीली रेस्क्यू करा जाए, इसीलिए पहले से पूरा अरेंजमेंट कर रखा है इन्होंने यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमारा बेड लग रहा है, जो वाइट टाइगर है अंदर अपनी केव के अंदर बैठा हुआ है,
अभी से 15 मिनट पहले अगर आते तो गार्ड बता रहा है मैं आराम से दिख जाता, तो अभी तो अंदर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो राफिया काफी देख के सरप्राइज हो गई है, बिल्कुल मेरी तरह मुंह बना रहा है। तो उसे हम एक पैरेट उठा के ले जा रहे हैं, ये छोटा सा पैरेट, अरे पैरेट की अम्मा। तो फ्रेंड्स हम देख चुके हैं पूरा का पूरा जू हमने कवर कर लिया है, तो अब लग रही है हम सबको भूख और बच्चे चिल्ला रहे हैं खाने से भूख 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 भूख, इसको छोले भटूरे भी खाने हैं। तो चलो बाहर निकल के कुछ पेट पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स मेट्रो भी हमारी आ चुकी है और हमने लंच भी कर लिया था नीचे। तो होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।